वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट थ्री रे सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द नेचर एक्सप्लेन। तो यूनिट थ्री रे मु आई थिंक तीन रु चार क्वेश्चन बनई। तो यूनिट थ्री रो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द नेचर एक्सप्लेन, यार अर्थ कौन जे सेल्फ मान कौन ना निजे। तो गोटे पर्सन सीए गोटे व्यक्ति से प्रकृतिर केमी गोटे अंश, ऑब्वियस आम जाने जे मनीष होकोसी व्यक्ति हो सीए नेचर प्रकृति सहित डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली तापर सी डिपेंड करे एवं से तार गोटे अंश। गोटे एग्जांपल देवी जे नेचर कथा कह नेचर आम कौन पाचे ना मनुष्य मैंने उड पाँच काठ पाँच जो दैनंद जीवन जो सब मेटेरियल सबू फर्णिचर को या इवेन गोटे ह्यूमन बीइंग गोटे मनुष्य जिते से ब्रिदिंग करुच्ची तार जिते से इनहेल करुच्ची से कौन करुच्ची ना अक्सीजेन नौचे। सो एसब जिनस तेणु सब जिनस सेल्फ मीनस मनुष्य गोटे इंडिविजुआल सी प्रकृति नेचर गोटे सी अंश एटा। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन कहला देखु जे हाउ सेल्फ डिपेंडेंस जे हाउ सेल्फ मैंने केमी गोटे व्यक्ति गोटे पर्सन केमी सी डिपेंड करन द नेचर उपरे फर द भेरी ओर एक्चुअल लाइफ गोटे गोटे निर्दिष्ट गोटे जीवन गोटे जो गोटे जीवन तार बीतवापाई गोटे जीविका निर्वाह करने से प्रकृति उपरती से डिपेंड करे ना से सेल्फ मैंने से निजे गोटे इंडिविजुअल गोटे पर्सन और तक आम कहीपर जो हाउ सेल्फ और वी डिपेंड ऑन नेचर नेचर उपर आम कमी डिपेंड करूँ। तेणु दुईटा क्वेश्चन रू आप जानपारे क्वेश्चन दुईटा हूँ सेम मीनस एटी कह प्रकृति उपर आम केमिका सेल्फ मैंने गोटे इंडिविजुआल गोटे पर्सन केमिका प्रकृति उपर डिपेंड करुच्ची कही गोटे इंडिविजुआल गोटे सेल्फ सी प्रकृतिर गोटे पार्ट बा गोटे अंश तो एक्सप्लेन करें कही तेणु दु टाइप क्वेश्चन भितर जो टाइप क्वेश्चन आसे तार आंसर गोटे ही हम मुझे अलरेडी लिख भी देखी। देखु एठारे मुझे लिखी जे इन क्वेश्चन वन एंड टू द आंसर विल बी सेम और वन क्वेश्चन वन आउ टू रे एग्जाम रे क्वेश्चन वन आसू और क्वेश्चन टू जो टाइप रे भी क्वेश्चन आसे तार आंसर ही सेम ही लिखा हे। तो चलो फर्स्ट डिस्कस करवा फर्स्ट क्वेश्चन जे नेचर विषय चलो डिस्कस करवा। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेचर इज जे नेचर गोटे सिंपल डेफिनेशन कौन दैट व्हिच एक्जिस्ट विदाउट ह्यूमन बीइंग और द सिविलाइजेशन मीन्स जोठारे कौन सी सिविलाइजेशन नहीं सिविलाइजेशन हम जानचे बा जोठारे कौन सी मनुष्य मानकर एक्जिस्ट नहीं तो दैट इज कॉल्ड नेचर हम जानचे प्रकृति जो प्रकृति तैयारी होती एवं जो प्रकृति ठारे सेटारे मनुष्य मान द्वारा जो प्रकृति तैयारी जो नेचरटा तैयारी किंतु सेटा हो ऑटोमेटिक तैयारी से मनुष्य मानकर ह्यूमन बीइंग रो कौन सी हाथ नहीं एवं सेठारे नो सिविलाइजेशन कौन सिविलाइजेशन जगतीकरण हो जेकोसी जिन सेठारे किसी भी नहीं। सो ए मोर वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ नेचर नेचर आउ गोटे जिन आउ गोटे तार गोटे कॉम्प्रिहेंसिव भाव तार गोटे डेफिनेशन दे पारिबा कौन द फिनोमेना ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड फिनोमेना माने कौन जे घटना एक्सीडेंट और इनसीडेंट। तो द फिनोमिना ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जो वर्ल्ड में आम रोचे और टच कर देखिपे तो से फिजिकल वर्ल्ड किसी घटना अच्छी प्लस ता सहित से वर्ल्ड जो प्लांट्स अच्छा एनिमल्स अच्छा लैंडस्केप अच्छी एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ एज एज अपोज्ड टू ह्यूमन और ह्यूमन क्रिएशन जो जिनस गुड़ा कि मानने ह्यूमन ह्यूमन क्रिएशन कौन संपर्क नहीं कौन से मनुष्य द्वारा यह सब जिन या प्लांट एनिमल सब को कौन से मनुष्य द्वारा या ऑटोमेटिक दैट इज कॉल्ड नेचर। सो देयर आर ऑल्सो ए सेकेंडरी डेफिनेशन पुणी आउ गोटे पुणी डेफिनेशन दे द फिजिकल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट गोटे फिजिकल वर्ल्ड में सबकि कौन कौन थी ना सच प्लांट थी एनिमल माउंटेन ओशन स्टार्स एटसेट्रा सब जिन दैट इज नॉट मेड बाय पीपल और द ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी कही सारी जो जिनस गुड़ा कि मनुष्य द्वारा या दैट इज कॉल्ड नेचर क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखा जे ह्यूमन बीइंग्स लिव इन द एरिया ऑफ नेचर आम जानचे ह्यूमन बीइंग्स और समस्त मानव जाति कौटी रुहे ना नेचर ही रुहे नेचर एरिया ही नेचर जो क्षेत्रफल नेचर वर्ल्ड से रुहे दे आर कन्स्टांटली सराउंडेड बाय इट एवं
ଏବଂ ଦେୟାର ମିନ୍ସ ସେ ଯେଉଁ ନେଚର, ସେ ନେଚରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଟ୍, ଏବଂ ସେଇ ନେଚର କାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି ବା ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ କାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି ନା ନା ସେଇ ଆମର ନେଚର ସହିତ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି, ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ସେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତା ପାଖରୁ ସେ ଉଡ୍ସ ହଉ ଅର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ତା'ର ଯେଉଁ ୟୁଜିଂ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଆଣୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟକୁ ସେ ବା ତା'ର ନିଡ଼୍ସକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଛି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲା ଯେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର, ନେଚର ସେଇଟାର ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ପାର୍ଟ ବା କ୍ରୁସିଆଲ ବା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କେଉଁଟା, ନା ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ନା ହେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ମିନ୍ସ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସବୁକିଛି ପଶୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ମେଟେରିଆଲାଇଜଡ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଫର୍ମ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ସୋ ଅର୍ଗାନିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦିଜ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଡିସଏପିୟର ମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଡିସଏପିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ। ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ନେଚରରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ରହୁଛି, ତ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ନେଚରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଠାକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଠାକାର ଏନର୍ଜି, ସେଠାକାର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେ ନେଚରର ଯାହା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନେଚରରୁ ଯଦି ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଦେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଡିସଏପିୟର ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ, ମନୁଷ୍ୟ ବି ତା ଜୀବନରୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନେଚର ଉପରେ। ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ନେଚର ଏ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ଓକେ, ସୋ ଇଫ୍ ୱି ଲୁଜ୍ ନେଚର୍ସ ଇମେଜ୍ ୱି ଲୁଜ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ନେଚର ଇମେଜ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଲୁଜ୍ କରିବା, ତେବେ ଆମର ନିଜର ଲାଇଫକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୁଜ୍ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆୱେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର ହି ବ୍ରିଥ୍, ଦ ୱାଟର ହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଦ ଫୁଡ୍ ହି ଇଟ୍ସ। ତେଣୁ ଖାଇବା ହଉ, ପିନ୍ଧିବା ହଉ, କି ବ୍ରିଦିଂ ପାଇଁ ବା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ହେଉଛି ନେଚର ହିଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ବା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଜାତି ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ କାହା ଉପରେ, ନା ନେଚର ଉପରେ, ସେ ବ୍ରିଦିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବା ଖାଇବା ପାଖରେ ଫୁଡ୍ ପାଖରେ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ସୋ ୱି ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ନେଚର ବାଇ ବ୍ଲଡ୍ ଟାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ନେଚର। ତେଣୁ ନେଚରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କେବେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସେମ୍ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ଲେଖାଯିବ ଆପଣ ସେଇଆ ଲେଖିବେ, ନେଚର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେବ। ତା'ପରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ହେଭ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ ଇଜ୍ ଦ କନେକ୍ସନ୍ ୱି ହେଭ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। କଥା କହିଲେ ଯେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ହେଭ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା, ଇଜ୍ ଦ କନେକ୍ସନ୍ ୱି ହେଭ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ସେ ଅନ୍ୟ ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଅର୍ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଆସ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ହେଲ୍ଦିଅର ହେପିଅର ଆଣ୍ଡ ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ, ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ସହିତ ଅଦର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେ କନେକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ନା, ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର, ସପୋର୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ହେଲ୍ଦିଅର ହୋଇପାରିବା, ହେପି ଆମ ଜୀବନରେ ରହିପାରିବା, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ଟା ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ। ସୋ ହିଅର୍ ଆର୍ ଫ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଟିପ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସକୁ ଆମେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା ଆମର ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ନା, ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ସ ଆମ ଜୀବନରେ। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ, ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ୱି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆମେ ଆମ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆମେ ବିଲ୍ଡ କରିବା, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇଠି ନିହାତି ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ତା'ର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା ରହିଛି, ଆମର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସୋ ୱି ହେଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ମାନିବାକୁ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସକୁ।
सेकेंड कहला लिसनिंग एफेक्टिवली एफेक्टिवली भाव में शुणा दरकार कहला लिसनिंग इज ए क्रुशियल स्किल इन बुस्टिंग एनादर पर्सन सेल्फ एस्टीम गोटे आ गोटे व्यक्तिर तार सेल्फ एस्टीम तार आत्मविश्वास को आत्मभरोसा को जब बुस्ट करने कौ जिन दरकार ना लिसनिंग स्किलटा दरकार सब जिन शुणा दरकार एंड देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स कम्युनिकेट टू अस इन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेसफुल इंटरेक्शन एवं आगे शुणा शुणी बुझा जे से जो कम्युनिकेशन से आम सहित कौ विषय में कम्युनिकेशन करने चाहूँगी देने जाकि इंटरेक्शनटा यहाँ सक्सेस हो पार। नेक्स्ट कहला जे गिव पीपुल योर टाइम लोक मानक टाइम दि टाइम देवा दरकार गिविंग टाइम टू पीपुल इज अल्सो ए ह्यूज गिफ्ट एटा गोटे 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 बहुत गोटे गिफ्ट और यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट कहला डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स आम कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करा दरकार बिकज कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन समवन अंडरस्टैंड यू जिते जे आम जो कह जन सहित कम्युनिकेट करवा जिते से बुझला सेत कहे हाँ आम कम्युनिकेशन ठीक है सो इट अल्सो हेल्प टू डेवलप द पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशन जहाद्वारा कि गोटे 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 व्यक्ति आउ गोटे व्यक्ति सहित जब से ठीक भाव जब कम्युनिकेट कर तेब ता दुजन गोटे पॉजिटिव गोटे हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हे से भाई लिसन टू जे लर्न टू गिव एंड टेक् फिडबैक् जे फिडबैक् नवा और फिडबैक् दबा से जिन शिखा दरकार कौन ना इट अल्सो हेल्प्स टू डेवलप द पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप। नेक्स्ट कहला लर्न टू ट्रस्ट मोर जो अधिक जन को अधिक भरोसा करेंगे सैटा भी शिखा दरकार जहाँद्वारा कि यहाँ भी कौन करना गोटे हेल्दी रिलेशनशिप गठन करें कह टू ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव गोटे लव ठार् ट्रस्ट हूँ बहुत इंपोर्टेंट एवं लास्ट कहला जे डेवलप एम्पाथी एम्पाथी निज भर क्रिएट करवा एम्पाथी एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन पीपल लोक मेरे जो गोटे मुझे कहली जो पॉजिटिव गोटे स्ट्रंग रिलेशनशिप गोटे हेल्दी रिलेशनशिप गोटे गठन करने जिते सब पॉइंट सब कहली डेवलप एम्पाथी एम्पाथी गोटे क्रिएट करने द्वारा गोटे भल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। सो देयर इज एन एक्सप्रेशन गोटे एक्सप्रेशन कह जाए जे पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड जे तुम्हें जहाँ कही थोड़ा लोक लोक मैंने भूली जाती पीपुल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड तुम्हें जहाँ कल सेटा भी लोक मैंने भूली जाती बट पीपुल विल नेवर फॉरगेट हु और हाउ यू मेड देम फील किंतु तुम्हें गोटे व्यक्ति को केमी कष्ट केमी दुख दे सुख दे थो तो से जिनसा केवे लोक मैंने भूलिए ना क्लीअर। सो आई होप मु फास्ट क्वेश्चन डिस्कस कम्प्लीट करदेली भल डिस्कसन कम्प्लीट है तो नेक्स्ट वीडियो मुझे लेकिन आसवि सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो सपोर्ट मी थैंक यू।